हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी इलेक्ट्रिकल ज्ञान। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है फ्रेंड, इसरो की तरफ से। वैसे कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई कर कर रखा है वो भी एनसीवीटी से, और तो उनके लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है। इसरो ने आईटीआई के लिए टेक्नीशियन सीट के लिए उन्होंने वैकेंसी रिलीज की है, तो इसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कब तक अप्लाई कर पाएंगे और फीस कितना लग रहा है, कितने सीटें हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और किस तरह आवेदन करना है, तो सारा चीज़ इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका इसरो इसरो के बारे में आपको परिचय देने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप जानते ही होंगे कि जितना भी स्पेस सेंटर का काम होता है वो इसरो करती है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये आपका SHAR, सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश में जहाँ पड़ता है, उन्होंने वैकेंसी रिलीज की है, ठीक है। और आपका पता होगा कि ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और इसमें देखिए, मैं मेनली रूप से इलेक्ट्रिशियन की बात करूँगा, और फिटर देख सकते हैं कितने सीटें हैं। देखिए, मैं इलेक्ट्रिशियन का बताता हूँ। इलेक्ट्रिशियन के यहाँ पे फ्रेंड टोटल 10 सीट है, और जनरल में 5 है, OBC में 1 है, SC में 3 है और EWS में 1 है। इसमें आपको NCVT बोर्ड से ITI पास रहना चाहिए, या तो आप अप्रेंटिसशिप किए हुए तब पर भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th+ ITI। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का यहाँ पे 14 सीट है, और सबसे ज़्यादा सीट है यहाँ पे फ्रेंड फीटर का, 34 सीट। इसमें भी आपका NCVT बोर्ड से ITI चाहिए और 10th चाहिए। तो ये तो रहा फ्रेंड सीट के बारे में, और यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि और भी ट्रेड है, तो आप लोग जिस ट्रेड से भी ये देख सकते हैं। और चलिए, कुछ और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि यह पोस्ट जो है अस्थाई है, किंतु उनको जारी रखने की संभावना है। मेरे हिसाब से फ्रेंड ये परमानेंट जॉब है, और इसका टोटली चीज़ जो है ये पूरा एक तरीका से, मतलब कि जो सरकारी का नियम होता है, जिस तरह सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसके हिसाब से ये पूरी तरीके से सरकारी है, मतलब परमानेंट ही जॉब है। बस इन्होंने सिर्फ लिखा है, मेंशन किया है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा आगे चलकर, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और चलिए मैं बता देता हूँ सैलरी कितना है। तो फ्रेंड, आपका सैलरी इसमें लेवल 3 का सैलरी दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपका लेवल 3 में बेसिक देख लीजिएगा कितना पड़ता है, उसी भी आपका सारा HRDA मेडिकल कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे आपका 21,700 बेसिक पे लिखा हुआ है, और मिनिमम जो ग्रॉस आपको मिलेगा वो 25,389 रुपया मिलेगा, और इसमें 18 से 35 साल वाले बंदे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें फ्रेंड क्या है कि शुरू में आपको बहुत सारे बेनिफिट दिया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आपको कैंटीन का सुविधा दिया जाएगा, और आपका आवास दिया जाएगा, तो उसके जगह पे आपको HRA का पैसा नहीं मिलेगा, मेडिकल सुविधा मिलेगा, हॉस्पिटल और केंद्रीय विद्यालय जो आपका बच्चा होगा उसके पढ़ने के लिए, तो ये चीज़ फैसिलिटी आपका मिलता है शुरू में। और चलिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ आपको, और इसमें यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो उनके लिए आपको NOC भेजना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको फ़ीस के बारे में बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो फीस आपको यहाँ पे फ्रेंड, फीस आपका 100 रुपया लग रहा है, ठीक है। जनरल OBC वाले के लिए 100 रुपया लग रहा है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, और SC ST वालों के लिए छूट है, ठीक है। महिलाओं के लिए, अब जितने भी महिला कैंडिडेट है सबको छूट है। आपको ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा अप्लाई करने वक्त, फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, और NTC सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लगेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसमें आप अप्लाई कास्ट बनवा लीजिएगा, आप ये यहाँ से SDO ऑफिस से कास्ट बनवा लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट में नहीं चाहिए, OBC जो भी कैंडिडेट है। चलिए मैं बताता हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर 2 तरह का होगा, ये 2 टेस्ट होंगे, एक स्किल टेस्ट होगा, एक पहला होगा रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट जब क्वालिफाई कीजिएगा उसके बाद ही आपका स्किल टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट में आपका मैक्सिमम ट्रेड से ही रहेंगे क्वेश्चन, बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम आपका ट्रेड का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरा एकदम सिलेक्शन प्रोसीजर एकदम सरकारी है, तो उसी तरह आपका जॉब भी परमानेंट है, कोई भी अस्थाई का यहाँ पर चांस ही नहीं बनता है। तो ये है फ्रेंड इम्पोर्टेंट नीज। और ये आपका ऑनलाइन आवेदन 29/11/2019 तक कर पाएंगे, यानी
29 नवंबर तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें जो भी जॉब आपको लगेगा, तो आपका जनरल शिफ्ट और जो नाइट शिफ्ट होता है उसमें आपको ड्यूटी करना पड़ सकता है, ठीक है फ्रेंड। और ये था इम्पोर्टेंट न्यूज़, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए जितने भी कैंडिडेट हैं। तो इसमें आपका लास्ट आवेदन आपको मैंने बता दिया 29 तारीख तक है। और इसका वेबसाइट www.shar.gov.in पर अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड ये था इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो वीडियो कैसा लगा होगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय जय हिंद, जय भारत।